भाजपा के दिग्गज नेता और वरिष्ठ कवि सत्यनारायण सत्यन का गुस्सा फिर टूट पड़ा है। उन्होंने कांग्रेस के साथ भाजपा की भी खिंचाई कर दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आंध्र कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में, अब फाटक में घुसी हुई बीजेपी का क्या दृश्य होगा यह देखना है। दीपक जोशी और भंवर सिंह शेखावत के बाद अब सत्यन के बगावती और चुनौती भर बयान ने पार्टी को चिंता में डाल रखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सत्यन को भोपाल बुलवाया है, शुक्रवार को उनकी मुलाकात हो सकती है। सत्यन बुधवार रात को विधायक ट्रॉफी क्रिकेट कंपटीशन में पहुंचे थे, वहां उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुरानों का विश्राम लेने संसार का नियम है, जो फलेगा वह झड़ेगा और जो जलेगा वह बुझेगा। वरिष्ठ हैं वो वरिष्ठ हैं, अगर नौजवान पीढ़ी अपने समर्थ हाथों में कमान संभालती है और सम्मान से आगे ले जाती है तो वंदनीय है, यदि ऐसा नहीं कर पाती तो निंदनीय है। सत्यन ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने मुझे बुलाया है, वे पार्टी के मुखिया हैं, वे आदरणीय हैं, हम उनके आदरणीय हैं। ऐसा खुद उन्होंने कहा कि आप हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने बुलाया है, लेकिन आज अन्य जगह जाने से शुक्रवार को भोपाल जाऊँगा।